सो है गाइज़ आई एम बैक विद द न्यू वीडियो सो इफ यू डोंट नो मी मुझे लगता है मुझे जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ कि आई एम साहिल और सनी आई एम अ इंडी फिल्म मेकर एंड वी एक्स आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया क्रिएटिंग हाई क्वालिटी शॉर्ट फिल्म इन अ वेरी लो बजट लाइक वेरी लो बजट बट इन अ सिनेमेटिक वे सो हे गाइज तो दिस इज़ दी अनप्लान वीडियो एंड अनस्क्रिप्टेड वीडियो क्योंकि मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया था फॉर अ ओवाइल जैसे कि मैंने कहा था मेरे इंस्टाग्राम के वीडियो में अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो शायद आपको पता नहीं होगा तो आ, मैंने छ महीनों का छः महीनों का गैप लिया था यूट्यूब से लाइक like, जो मैं बनाता था लाइक ट्यूटोरियल्स एक्सप्लेनेशन फिल्म मेकिंग वीडियोज़ तो मैंने सिंपली जस्ट एक ब्रेक लिया था छः महीनों के लिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा ही स्टक हो चुका था यूट्यूब के अंदर फाइल मेकिंग दिस ट्यूटोरियल्स फिल्म मेकिंग एंड कंसेप्ट आर्ट एंड मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था एज ए रिज़ल्ट एंड इसी वजह से मैं ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया था एंड स्टक हो गया था इस क्रिएटिव uh, रूटीन में जहाँ मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था बट uh, इसलिए मैंने छः महीनों का गैप लिया था हालांकि मेरा फिलहाल ही मेरा जो चैनल है वो मोनिटाइज हुआ है एंड मुझे मोनिटाइजेशन की परवाह नहीं है क्योंकि आई एम नॉट आई एम हियर फॉर मेकिंग शॉर्ट फिल्म एंड शोइंग यू एंड टेलिंग यू डेट हाउ आई मेक माई शॉर्ट फिल्म क्योंकि मेरी जर्नी ही शॉर्ट फिल्म बना के हुई है लाइक like, मैंने शॉर्ट फिल्म बनाते बनाते मेरी जर्नी को शुरू किया है 2018 से सो so, प्रॉब्लम ये आ गई थी कि लाइक like, मैंने 2018 से ही पैसों पर कभी फोकस नहीं किया लाइक like, अभी जो मेरी ड्रीम फिल्म है अगर आप इस चैनल पर फोकस मतलब इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मेरी जो ड्रीम फिल्म है वो है मोक्ष फैंटेसी वर्ल्ड फिल्म सीरीज जिसे अभी आना जिसे अभी थोड़ा टाइम है एंड हाल रिसेंटली मैंने उसका जो स्टोरी रिविल टीज़र है वो अपलोड किया है आई uh, होप कि आपको अच्छा लगे अच्छा लगा होगा तो 2018 से मैंने मेरी शुरुआत की शॉर्ट फिल्म बनाते वक्त मतलब बनाने से एंड दो हज़ार से ही मैंने कभी पैसों के बारे में नहीं सोचा कि मैं मेरे शॉर्ट फिल्म से इतने पैसे कमाऊँगा मैं मेरे आ, हाँ वीडियोस से सोचा था बट शॉर्ट फिल्म से नहीं सोचा था कि शॉर्ट फिल्म से इतने पैसे कमाऊँगा उतने पैसे कमाऊंगा हाँ एक कम्युनिटी ग्रो करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थोड़े अच्छे लेवल की टीचिंग सीखूँगा मतलब चीज़ें सीखूँगा फिल्म मेकिंग सीखूँगा एंड फिर उससे मे भी मैं प्रोफेशनल लेवल पर काम कर सकूँ सो so, इसी चीज़ ने शायद मुझे स्टक करके रखा था कि जहाँ मैं पैसों पर ना फोकस करके सिर्फ शॉर्ट फिल्म मेकिंग पे फोकस कर रहा था एंड उसी चीज़ ने आज मुझे अटका दिया है एक जॉब के अंदर क्योंकि अगर आप अगर मैं मेरी बात बताऊँ तो आई एम योर फॉर मेकिंग ओनली शॉर्ट फिल्म नॉट टू फोकसिंग ऑन मनी बट अब मैं पैसों पर फोकस करने जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं शुरुआत से पैसों पर फोकस करता लाइक like मैं पैसे कमा रहा था कमा रहा था ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं कमा रहा था मैं फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा रहा था मेरा फ़ोकस पैसे कमाने पर नहीं था बिकॉज जब मैं फ्रीलांसिंग करता था मैं ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन ऑफलाइन फ्रीलांसिंग करता हूँ करता था तो जब मैं फ्रीलांसिंग की वीडियोस लेता था, था या वीडियो एडिटिंग या वीएपेक्स की चीज़ें करता था तो मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि मैं उस चीज़ को करूँ बट अनफॉर्चुनेटली पैसों के लिए मुझे वो करना पड़ता था एंड जो मैं फोकस की बात आपको बोल रहा हूँ कि मुझे फोकस मैंने कभी फ़ोकस नहीं किया तो वो उस टाइप का था जिस टाइप का फोकस मैं शॉर्ट फिल्म बनाने में देता हूँ एंड उसी चीज़ ने मेरे शॉर्ट फिल्म बनाने के जो स्पीड है मेरे जो शॉर्ट फिल्म्स मैं बना रहा था उसे उसने स्टक कर दिया एंड uh, अभी जो हालात है वो ज़्यादा ही बिगड़ चुके हैं ज़्यादा ही मीन्स कि uh, ना मेरे पास मेरे टीम रही ना मेरे पास मेरे गेयर्स रहे कैमरा पी ये पी जो है वो फुल्ली डिस्ट्रॉ हो चुका है तो इस पीसी पे मैं अब मिनिमल uh, शॉर्ट फिल्म बना सकता हूँ बट जो मैं बनाना चाहता हूँ वो नहीं बना सकता लाइक like, मोक्स का टीज़र मोक्स का टीज़र मैंने इस पीसी पर नहीं बनाया और वो नहीं बन सकता अगर आप सोचते होगे कि मेरे वीडियो देखें कि जी टी सेवन थर्टी जी पी यू एन वीडिया जी पी यू या आई फाइव टेन जनरेशन से आप वैसा टीजर बना सकते हो सो दैट्स इम्पॉसिबल एंड अगर आप बनाने बैठ भी गए तो आपका दिमाग आपको खा लेगा क्योंकि आप उसमें स्टक हो जाओगे सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव एंड इस पीसी के साथ मैं वो शॉर्ट फिल्म नहीं बना सकता सो so, अभी जो सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है वो है पैसों की देखो मैं यूट्यूब पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा था मुझे अच्छा लग रहा था फिल्म मेकिंग की चीज़ें करना शॉर्ट फिल्म स्पेशली शॉर्ट फिल्म मेकिंग के चीज़ों को पता ना कि हाउ आई राइट स्क्रिप्ट हाउ आई शूट शॉर्ट फिल्म हाउ आई एडिट शॉर्ट फिल्म हाउ टू बिकम अ विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट हाउ टू डू वी एफ एक्स ऑल काइंड ऑफ दैट स्टफ रिलेटेड टू फिल्म मेकिंग सो इन सब चीज़ों में मैं, मैं फंस गया था कि मैं खुद को सामने वालों को बता नहीं पा रहा था कि मैं कौन हूँ एक्चुअली मैं मैं क्या फिल्म मेकर हूँ मैं वीडियो एडिटर हूँ क्या मैं वीएपिक्स आर्टिस्ट हूँ क्या मैं कलरिस्ट हूँ क्या मैं साउंड डिज़ाइनर हूँ क्या मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ सो इन सी चीज़ों में सब मैं अटक चुका था तो फाइनली जब छः महीने बाकी है इस साल को ख़त्म होने के लिए एंड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है हमारे चैनल पे कि सात मंथ सेवन मंथ लेफ्ट फॉर दी मोक्स प्रोडक्शन एंड मोक्स जनवरी uh, तक मुझे सारे पैसों का इंतजाम सारे गेयर्स का इंतज़ाम सारा जो भी कैमरा मैं लूँगा उसका इंतज़ाम टीम का इंतज़ाम सब कुछ करना है एंड मेरे पास सिर्फ अब छः ही महीने बचे छः महीने भी नहीं बचे पाँच ही महीने बचे ये महीना तो ख़त्म होते आ गया सो इफ यू आर लुकिंग दिस वीडियो टिल नाउ सो आई एम टेलिंग मतलब मैं सिर्फ यहाँ ये बताने आया हूँ कि अब मैं टोटली फोकस करने वाला हूँ पैसे कमाने पर मे uh, बी आप स्टिक स्टक रहो मतलब स्टिक रहो इस चैनल के ऊपर क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी ट्यूटोरियल्स काफ़ी फिल्म मेकिंग के वीडियोस uh, आने वाले हैं बट इन छः महीनों में मैं फोकस करना चाहता हूँ पैसे कमाने पर बिकॉज आई नीड मनी नाउ टू मेक माई शॉर्ट फिल्म मुझे पैसों की जरूरत मेरे लिए नहीं है मेरा मेरा दिन तो मेरा मतलब मेरा खर्चा तो दो टाइम का खाना ही है सिर्फ बाकी मैं कोई शौक करता भी नहीं क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक शॉर्ट फिल्म टिल माई लास्ट ब्रेथ मेरे को कोई सक्सेस मिले या ना मिले मेरा काम है मेरा कर्म है मेरा धर्म है वो शॉर्ट फिल्म बनाना जैसे किसी अदर फील्ड का होता है मतलब किसी अदर फील्ड वाले का होता है सो so, वैसे ही मेरा काम है शॉर्ट फिल्म बनाना एंड उस शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए मुझे चाहिए पैसे एंड उसी पैसे कमाने के लिए मैंने आ, मेरे जर्नी को शेड्यूल किया था इस सिक्स मंथ के जर्नी को कि इन छः महीनों में मैं फ्रीलांसिंग मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो कर लूँगा बट यूट्यूब चैनल से मैंने ब्रेक ले लिया था छः महीने का तो मे बी मैं ट्यूटोरियल्स ना ला पाऊँ एक्सप्लेनेशन वीडियोज ना लाऊ ना ला पाऊँ बट फिलानसिंग एंड पैसे कमाने के लिए एंड शॉर्ट फिल्म इस चैनल पर आएंगे मतलब अब मैं ओपन हो गया हूँ किसी के भी लिये वर्क करने के लिए पहले मैं खुद के लिए वर्क करता था सिर्फ खुद के शॉर्ट फिल्म से एंड द जॉब आई आई एम डूइंग नाइन टू फाइव जॉब वो मैं अभी भी कर रहा हूँ सो बात वो नहीं है बात ये है कि अब मैं करना चाहता हूँ फ्रीलांसिंग दबा के फ्रीलांसिंग किसी के भी लिए सो so अब मैं ओपन होना चाहता हूँ एज अ फिल्म मेकर एज अ इंडी फिल्म मेकर एज अ इंडी वीएपेक्स आर्टिस्ट भले ही मेरे नॉलेज कहीं तक भी हो मैं हर वो चीज़ को सीखूँगा जो भी क्लाइंट मेरे पास आएगा मैं उसके लिए वो स्पेशल चीज़ सीखूँगा एंड उसे वो सर्विस दूंगा उसे वो वर्क करके दूंगा एंड विद इन अ चीप रेट्स देखो ऐसा नहीं है कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं लूट लूँगा सामने वाले को ऐसा नहीं है मुझे पता है कि मेरे हालात कैसे थे शॉर्ट फिल्म बनाते वक्त तो सामने वाले के भी हालात वैसे ही हो गए शॉर्ट फिल्म बनाते वक्त तो मैं समझता हूँ कि सामने वाले के पास पैसा नहीं होगा बजट नहीं होगा बट उन बजट के अंदर मैं उसे हाई क्वालिटी का काम देना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड एंड स्मार्ट एंड प्रोफेशनली बाय डूइंग शॉर्ट फिल्म वर्क मे भी आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना देख रहे हो सो so, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि दिस इज़ दी नॉर्मल टॉकिंग वीडियो एंड आगे भी ऐसे वीडियो आएंगे जहाँ मैं आपको बताऊगा कि मैंने क्या क्या किया इन साठ दिनों के अंदर जो भी मैं करने वाला हूँ एक लाख रुपये कमाने के लिए सो so, मेरा जो गोल है वह एक लाख रुपये कमाना इन साठ दिनों के अंदर एंड मेरी प्रोफाइल को टोटली तरह से बिल्ड करना प्रोफेशनली लाइक जो भी आए उसे मेरा काम टोटली दिखना चाहिए कि हाउ वॉज़ आई एम मतलब हाउ आई एम डूइंग माई वर्क ठीक है सो आप चैनल को फॉलो करते हो तो आपको सिंपली पता है कि मैं कैसा हूँ मेरा काम कैसा है एंड मैं करना क्या चाहता हूँ so, सो मोक्ष के बाद मैं काइंड ऑफ डिमोटिवेट नहीं हुआ बट ये कह सकते हो कि मैंने थोड़ी फार आशा रखी थी कि मोक्ष का टीजर थोड़ा फार तो अच्छा जाएगा क्योंकि मैंने उतनी मेहनत की थी उसके ऊपर बट दैट नॉट द पॉइंट अगर भगवान चाहते हैं कि मैं और मेहनत करूँ तो यही सही सो so, इन सात दिनों के अंदर मैं कमाने वाला हूँ एक लाख रुपये बाई फ्रीलानसिंग ऑफ फिल्म मेकिंग इन वेडोग्राफी वी एफ एक्स जो भी मैं करता हूँ मेरे शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए आई नो कि शॉर्ट फिल्म मेकिंग शॉर्ट फिल्म मेकिंग वाली ऑडियंस फिल्म मेकर्स बहुत कम है इंडिया में एंड अगर है भी तो उनके पास ना बजट है ना कैमरा ना गेयर एंड ना ही टीम सो so, उनके लिए मैं करना चाहता हूँ वर्क एज अ फ्रीलांसर सो आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी ऑफ दिस ये कोई साठ दिनों की जर्नी नहीं है ये एक लाइफ टाइम जर्नी है साठ दिनों का गोल तो आ uh, सिर्फ एक uh, एक अचीवमेंट के लिए है लाइक एक सफ़र के लिए एक सफ़र के एक एक लंबे सफ़र का एक छोटा सा भाग जहाँ मैं खुद को फिर से उस हार्डवर्किंग रूटीन में लाना चाहता हूँ इसलिए मैंने खुद को ये वादा किया है कि साठ दिनों के अंदर मैं एक लाख कमा के रहूँगा एंड जो भी मेरे ऊपर जो भी मेरे ऊपर मनी का जो लोन वगैरह वो जो सब प्रॉब्लम्स है उन्हें मिटाने वाला हूँ इन साठ दिनों के अंदर जो भी मैं पैसा कमाऊँगा भले ही मैं ना कमा सकूँ मतलब एक लाख तक ना पहुँच सकूँ बट मैं को पूरी कोशिश करूँगा तो एक लाख के ऊपर ही कमा सकूँ सो या दिस इज़ दी डे ज़ीरो ऑफ़ द दिक्सटी डेज वन लाख रुपये अर्निंग जर्नी

एंड एक स्पेशल अनाउंसमेंट कि अब मैं ओपन हो चुका हूँ वर्क के लिए वर्क करने के लिए लाइक फ्री लांसर ऑफ फिल्म मेकिंग फ्री लांसर एंड वी एक्स आर्टिस्ट फ्री लांसर सो अगर आप में से कोई भी वीडियो देख रहा है एंड आई नो कि आपको शॉर्ट फिल्म बनाना है जैसे मैंने बनाई अगर आप बनाना चाहते हो एंड मुझे पता है कि आपको बनाना है सो so किसी को भी अगर कोई शॉर्ट फिल्म बनाना है या कोई फिल्म बनाना है एक साय हाई बजट फिल्म बनाना है So, मुझसे कांटेक्ट करो मेरे इंस्टा पे आओ मुझे डीएम करो मैं इंस्टेंटली रिप्लाई दूंगा जितने जल्दी हो सके आपकी स्टोरी क्या है आपका वर्क क्या है आपका बजट कितना है सब डिस्कस करेंगे एंड मैं अब ओपन हो चुका हूँ वर्किंग के लिए सो so मैं आपको आपकी मदद करना चाहता हूँ आपकी शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए अब तक मैं सिर्फ खुद के लिए काम कर रहा था बट आज मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आज मैं सब आज आज के बाद मैं सबके लिए काम करने वाला हूँ मेरे कुछ प्लान्स थे आप सबके लिए फ्यूचर प्लान्स ठीक है वो मैं अभी नहीं बताने वाला क्योंकि अभी हमारे कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है सो so वो मैं आगे बताऊँगा तो मैं सिर्फ इतना बताने वाला हूँ कि आई एम ओपन टू फिलान्स वर्क नाउ यू कैन डी एम मी यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी वेयर लाइक व्हाट्सअप इंस्टा फेसबुक एंड इवन दिस इवन दिस यूट्यूब चैनल सो आई एम जस्ट टू आई एम जस्ट मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ बनाना है शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड तो जस्ट गो ऑन द इंस्टाग्राम एंड डी एम में मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिस्पॉन्ड करूँगा एंड हम दोनों आप तुम्हारी शॉर्ट फिल्म बना के रहेंगे इन अ वेरी चीप रेट्स मीन्स लो बजट और इवन ज़ीरो बजट तो साठ दिनों के अंदर एक लाख रुपए कमाना है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सामने वाले को लूटे बैठूंगा ऐसा नहीं है आ, मुझे पता है कि शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए काफ़ी कुछ लगता है क्रू कैमरा गियर्स बजट टीम एंड मेरे पास ये सब नहीं था ना मेरे पास बजट था सो so, सामने वाले के पास मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि उसके पास वो सब कुछ होगा बट या आई हैव टू चार्ज सम आई हैव टू चार्ज सम रेट्स सम मनी फॉर दिस बट इतना नहीं कि सामने वाला छोड़ के चल जाए या उसका वो डिमो डिमोटिवेट हो जाए शॉर्ट फिल्म मेकिंग से सो ऐसा नहीं है सो या दिस इज़ द डे ज़ीरो और द इंट्रोडक्शन ऑफ दिक्सटी डेज जर्नी फॉर अर्निंग वन लैक रुपीज़ इन दिक्स डेज सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू फॉलो सब्सक्राइब दिस चैनल for the future content and for the 60 days journey of earning 1 lakh rupees for by the freelancing of filmmaking vfx artist or anything in the filmmaking related that uh, jo bhi main kar saku so, मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में किसी और नए क्रिएटिविटी के साथ तब तक के लिए keep the art in your heart.